नमस्कार, आप देख रहे हैं GPN24 और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। आइए नजर डालते हैं झारखंड की कुछ अहम खबरों पर। विगत कई दिनों से व्याप्त बागबेड़ा क्षेत्र की जन समस्या को दूर करने के उद्देश्य से बागबेड़ा विकास समिति के द्वारा बागबेड़ा गांधीनगर में एक दिवसीय महाधरना दिया गया। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। देखिए पूरी खबर। बागबेड़ा बडोदा घाट पुल निर्माण करने संपूर्ण बागबेड़ा क्षेत्र से कचरा उठाव प्रणाली को लागू करने, चार पंचायत में अविलंब पंचायत भवन बनाने और बागबेड़ा क्षेत्र के 15 किलोमीटर जर्जर सड़क को बनाने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर बागबेड़ा विकास समिति के द्वारा बागबेड़ा गांधीनगर में धरना दिया गया, जहां इस धरना में क्षेत्र की महिला, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हुए। जानकारी देते हुए बागबेड़ा विकास समिति के अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा ने कहा कि क्षेत्र के लोग मूलभूत समस्याओं से परेशान हैं। बच्चों से बड़ों तक को इस समस्या से 2 से 4 होना पड़ रहा है। ऐसे में इन समस्याओं को लेकर महाधरना दिया जा रहा है। इसके बाद भी सरकार व जिला प्रशासन की नींद नहीं खुली तो आगे चलकर स्थानीय लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। जनहित के कार्यों के लिए अगर लोगों को सड़क पर उतरना होगा तो इसके लिए भी लोग बाध्य होंगे। सामाजिक संस्था बागबेड़ा विकास समिति के द्वारा लगातार माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को पत्राचार के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हम सभी 5 सूत्री मांग लगातार सरकार को अवगत करा रहे हैं। हमारा मांग है कि बड़ौदा घाट पुल का यथाशीघ्र निर्माण हो, साथ ही पूरे बागबेड़ा क्षेत्र का संपूर्ण कचरा का उठाव के लिए सरकार एक अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करे, साथ ही 4 पंचायतों में पंचायत भवन अब तक नहीं बना, पंचायत भवन का कार्य तुरंत सरकार शुरू कराए, साथ ही जिस तरह से बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य सुस्त गति से चल रहा है, यदि यही हाल रहा तो आने वाले 5 वर्षों में भी हमें पेयजल आपूर्ति का सुविधा नहीं मिल पाएगा। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर पुराना विधानसभा स्थित खेल मैदान में एक दिवसीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही। देखिए पूरी खबर। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हमें केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा के साथ सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त रकम 5 लाख रुपए के साथ आजीवन पेंशन दे। केंद्र सरकार वही कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने कहा कि वेतन वृद्धि की मांग करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, उसे पूरा करके ही दम लेंगे। इस दौरान गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अधिकांश मांगे नियमावली बनाकर कैबिनेट से अप्रूवल करा कर दी जा चुकी हैं। बाकी जो बची मांगे निश्चित रूप से भी सरकार सकारात्मक फैसला लेगी। इसके अलावा विधायक जी, अगर हम बात करें झारखंड में तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, एमएम की ओर से किस तरीके से रूपरेखा इसकी होगी, क्या सुदीप सोनू भी दावेदार होंगे? ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार करते हैं, मांग करती है, लेकिन सरकार सुनता नहीं, क्या होगा? इसी तरह सड़क पर आप लोग चिल्लाते रहेंगे, सरकार अपना काम करते रहेंगे, कब तक चलेंगे? सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि मैं कुमारी गीता, बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ और ऑल इंडिया का मैं संघर्ष समिति का संयोजक भी हूँ मंडल में। बात यह है, ये आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन बहुत दिन तक केंद्र सरकार से इंतजार किए हैं। ये आंगनबाड़ी सेविका जो गरीबी सबसे कमजोर, जो कि इनको वेतन मानदेय मिलता है, और सबसे मेहनत पत्थर पहाड़ जंगल धूप छांव सारी काम को करवाने का काम केंद्र सरकार करती है, और आज 10 बरस तक इंतजार कर रहे हैं कि अब तो ये जुमलाबाजी छोड़ करके कुछ तो देंगे। घोड़ा जिला अध्यक्ष माया जी आवे, माया देवी आवे और अपनी बात को रखे। 2 मिनट से समय का प्रतिबंधता है, हमारे पास बहुत सारे बाहर से आए हुए अतिथि भी हैं, बहुत वक्ता है, इसलिए समय का ध्यान रखा जाए। और जो
रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के महुआ टोला दामोदर नदी स्थित दामोदर नदी के बालू घाट में अपराधियों के द्वारा की गई है 2 राउंड हवाई फायरिंग। सीमा क्षेत्र को लेकर पुलिस कंफ्यूजन में है, क्या है मामला देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे मामले को लेकर पतरातू SDPO ने की घटना की पुष्टि। पतरातू थाना प्रभारी के अनुसार घटना स्थल हजारीबाग जिले के उरी मारी की है। सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर दोनों जिले के पुलिस अभी तक कंफर्म नहीं कर रहे हैं। आपको बताते चले कि घटना स्थल के कुछ दूरी पर सटे रांची जिला के मंजमोहना का है। भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती पर पूरे भारत वर्ष समर्पण दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय सैल्यूट तिरंगा के द्वारा जुगल सराय वीर कुंवर सिंह चौक में मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, देखिए पूरी खबर। मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर कैंप का आयोजन सैल्यूट तिरंगा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविशंकर तिवारी के नेतृत्व में मेडिसिस्ट अस्पताल के सहयोग से लाया गया, जहां इस मेगा कैंप में आंख का नाक रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, सामान्य रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर निशुल्क संबंधित रोग के रोगियों की जांच की। साथ ही साथ शिविर में अपनी जांच कराने आए लोगों को निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। मेगा कैंप के संबंध में जानकारी देते हुए सैल्यूट तिरंगा के मेगा कैंप के संयोजक DD त्रिपाठी ने कहा कि समर्पण दिवस के उपलक्ष्य पर मानव सेवा के उद्देश्य से राष्ट्रीय सैल्यूट तिरंगा के द्वारा मेगा कैंप लगाया गया है, जिसमें केवल जुगल सलाई ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग भी इस कैंप में शामिल होकर निशुल्क मरीजों को अपनी सेवा दे रहे हैं। DD त्रिपाठी संयोजक और छापर बालू घाट भी है, जहां प्रतिदिन भारी मात्रा में अवैध बालू का कारोबार जारी देखने को मिलती है। आज हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज से पूरा भारत समर्पण दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पुण्यतिथि मना रहा है। इसी अवसर पर सैल्यूट तिरंगा, राष्ट्रीय सैल्यूट तिरंगा और मेडिस ENT हॉस्पिटल के ध्वजन से हम लोगों ने यहाँ के युग सलाई क्षेत्र में लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा का यहाँ व्यवस्था करते हुए जाँच का आयोजन किया है। इस मेगा कैंप में हम लोगों ने सिर्फ जाँच ही नहीं अपितु उनको उचित दवा भी मिले, इसका भी प्रबंधन। अभी के लिए बस इतना ही। झारखंड से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GMA24।